तो कम होगी, यानी कि महंगाई जब ज्यादा होगी हारून साहब, लेकिन फिर भी देखें, एक बाप एक भाई जब निकलता है ईद की शॉपिंग के लिए, अपनी बहन बेटी बीवी को लेके निकलता है, अपनी माँ को लेके निकलता है, वो कहीं से भी पूरा करे, वो ईद की शॉपिंग करा के दे रहा है उन्हें, बाजारों में वही रश हमें आज भी नजर आ रहा है। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, खुशी है क्या, हो सकता है उसमें मेरी जवाब तलबी हो जी। मैंने बेगम साहब ने मुझसे मांगे पैसे, अभी इस की बात कर रहे, कुछ दिन पहले घर के अखराजात के लिए, वो पैसे जब मैं लाया तो उन्होंने शी रिफ्यूज टू टेक द मनी, वो नए नोट नहीं थे क्या? नहीं नहीं नहीं, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। मैंने उनसे, मैं बड़ा परेशान हुआ कि शायद कोई नारवा बात हो गई हो जाती है बात, क्या पता चला वजह क्या। तो उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं कि मुझे टेंशन होती है। तो मैंने कहा ये आपका दर्द सर नहीं है, ये दर्द सर मेरा है। हाँ। उन्होंने कहा ये आप खुद ही पैसे सब खर्च करें अपने हाथ से, जो मैंने कभी जिंदगी में किए नहीं घर पर, तो ये आपका दर्द सारा। बच्चे जो हैं, अलबत्ता अब मुझे एहसास होता है कि इतना प्लेयर का एहसास हमें होता है, तो ऑब्वियसली ज्यादा कोशिश होती है कि कुछ कपड़े इन्हें दिला दिए जाएं, और चीजें और चीजें, जाहिर है छोटे बच्चे उनका प्लेयर इसी में होता है, बहुत छोटी चीजों में होता है, और मेरा ख्याल है कि वो बच्चा इंसान के अंदर हमेशा जिंदा रहता है, और जिन चीजों की वो तमन्ना करता है दरअसल वो छोटी ही होती है। तो मतलब मेरी पोती ने कहा कि केक और वो और फला फला चीजें, तो मैंने कहा काम से जा रहा हूँ। अच्छा, काम पे जा, काम से जा रहा हूँ, मैं बहुत मसरूफ हूँ। तो उसने कहा हर वक्त आप मसरूफ रहते हैं, हर वक्त आप देर से आते हैं, अच्छा, और मैं आपसे बात नहीं करूंगी अगर ये सारी चीजें मुझे नहीं लेके देंगे। तो वो अच्छा लगता है, कोई बुरा नहीं लगता। बहुत छोटे बच्चे, उन्हें तो खैर एहसास होता नहीं इस बात का। की बात की अच्छा, इसमें भी टेक्नोलॉजी आ गई थोड़ी सी, मतलब इसमें भी टेक्नोलॉजी आ गई। अब वो मेरी बीवी तो एटीएम का कार्ड ले जाती और वो पैसे निकाल के, शी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, उसने लिफाफे बना के जितने बच्चियों को जो देने हैं वो पहले से एटीएम से निकाल के उसने कर लिए। अच्छा। तो वो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं पैसे लेके जाऊं उनके पास और फिर वो इनकार कर दें कि आपके नोट नए नहीं है। हाँ, नए नोट भी। ईद के एहसास की बात कर रहे थे हारून साहब, मुझे एक बचपन की बात याद आ गई है। हारून साहब बुरा ना मनाए तो मैं, हारून साहब को उससे क्या ताल्लुक है मंजूर साहब, आपके बचपन की बात सुनने के बाद मुझे याद है कि एक दिन मैं छोटा सा था तो एक हमारे हमसाये में जो रहते थे, कुछ हमारे करीबी दोस्त ही थे मेरे, तो मैंने कहा यार तुम्हारे हमसाये में ये नौजवान लड़का कहाँ से आ गया, ईद पर आया हुआ था। अच्छा। तो बड़ा हैंडसम था और मैं भी छोटा सा था, तो हमने कहा ये कौन आया है, कितना हैंडसम आ गया। तो पता चला जी कि ये तो इनका कजन है, लाहौर में होता है, तो इस ईद पर यहाँ आया है। अच्छा। तो उसका नाम इमरान खान है। इसमें बड़ा बनाने की क्या बात है। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने कुछ 16 बरस उसके साथ गुजारे, वो अब भी वही बच्चा है। लेकिन हारून साहब, हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद रहना चाहिए, जिंदगी का एहसास, जिंदगी की खुशियों के लिए अंसुर साहब ये बड़ा जरूरी होगा।